चकदी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सुमित धालीवाल लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई देश विदेश दीआं खबरां। आओ नजर मारदे हां अज दीआं सुरखियां वल। ढींसा की पार्टी के कैप्टन की चुटकी, सुखबीर नूं लगाए रगड़े, तुली लैब कोविड टैसट घोटाले च जांच लई कीता सिट दा ऐलान। कैप्टन ने बैंस साहब ते अकाली दल तो लाइव हो मंगी मदद, कहा सियासत छड़ो पंजाब बचाउण च दियो साथ। मद्देनजर आप दा सियासी वार, विरोधी किते चित, आप नूं मिली वड्डी मजबूती। गाली गलोच दा माहिर सूरी चढ़िया पुलिस अड़ी के, सूरी नूं हथकड़ी लगाउण लई पुलिस ने 1300 किलोमीटर तक कीता पीछा। चोरी हुए पावन सरू मामले च एसजीपीसी ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह अगे रखी जांच दी मांग, एसजीपीसी प्रधान ने ढींसा नूं भी दिता मूंह तोड़ जवाब। गुंडागर्दी दा नंगा नाच, प्यो पुत ते होया जानलेवा हमला, डुलिया खून धरती होई लाल। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब मुख्यमंत्री ने तुली लैब कोविड टैस्ट घोटाले की जांच लई एक 3 मैंबरी सिट का ऐलान किया है। इसकी अगवाई पुलिस कमिश्नर अमृतसर करेंगे। नाल ही कैप्टन साहब ने ढींसा की नवी पार्टी बाबत गल करदिया अकाली दल से तिखे वार किए। पंजाब च आए दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आउंदा है, उतों तक कि कोरोना टैसट च भी घोटाला हो चुका है। जी हाँ, जदों तो तुली लैब के कोविड टैसट घोटाले के दोष लगे ने उदों तो ही तुली लैब विवादों च घिरी हुई है। पंजाब मुख्यमंत्री ने तुली लैब खिलाफ लगातार जंग विड़ रखी है। कैप्टन साहब ने तुली लैब खिलाफ कोविड टैसट घोटाले की जांच लई 3 मैंबरी सिट का ऐलान किया है, जिसकी अगवाई पुलिस कमिश्नर अमृतसर करेंगे अते उन्होंने नाल सिविल सर्जन बतौर मैंबर होंगे। कैप्टन साहब ने निजी हस्पतालों जां लैबोरेटरियों नूं सख्त चेतावनी दिती है। मैं ये जिहड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है ना इस वेले पंजाब च, उहदे बारे सख्त खिलाफ है। जिहड़ा बंदा जदों एक बड़ी औखी घड़ी विचों कोई सूबा या कोई देश निकलता होए, उहदे ते कोई पैसे बनाने की कोशिश करे और वह बेचारियों की किस्मत खराब जी जी गरीबा की है, उन्होंने तुम अपने कुछ उन्होंने बारे कुछ सोचो ना, तो ये मेरे वास्ते सब तो बड़ा मैं समझता कि दोषी है बंदा। और जदों ये मैं खबर आई सी कुछ, मैं क्या विजिलेंस डिपार्टमेंट को कहता चैक करो पकड़ो जिन्होंने गड़बड़ की है। हूँ ये जेडे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट सिर्फ करता है जो सरकारी महकमे के करप्शन होंगी है। तो ये जेडे टुली लैब वाले ने यह चले गए ने कोर्ट के और उतों इन्होंने कोर्ट कर दिता कि विजिलेंस डिपार्टमेंट न कोई ज्यूरिस्टिक्शन नहीं, वो कर नहीं सकते इस गल नूं। तो इस तो पहला कि यह हुण लिटिगेशन दे प्रोसैस चल पे और लंबा जिहा काम चल पे, असी एक SIT मैं अज बनाई है जिदे विच साडे कमिश्नर पुलिस अमृतसर हैड करनगे और नाले होणगे उन्हां दा एक ADC साडा होएगा जो वह भी डॉक्टर ने, और तीसरा एक सिविल सर्जन जो डॉक्टर हैं, और नाले साडे जिहड़े कमिश्नर पुलिस ने वह भी डॉक्टर ने। तो तीनों अपने इस SIT अपना काम करेगी और सख्ती तो सख्ती नाल असीं इन्वेस्टिगेशन करांगे। एंड जिहड़े बंदे कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे ना और लोगों के बेचारे जिहड़े औखे समय दे विचों गुजर रहे हो, तुसीं उन्हां तों पैसे कमाउण की कोशिश कर रहे हो, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करनी पंजाब दे विच। और इन्हां नूं समझना पवेगा और मैं देखूंगा कि इन्वेस्टिगेशन चंगी तरीके नाल होवे और इन्हां समझूंगा कि ये जल्दी मुकूगी ये रिपोर्ट और फिर जो कदम चकने ने असीं चकांगे। जदों कैप्टन साहब लाइव हो सवालों के जवाब दे रहे थे तो किसी ने सवाल पूछा कि सुखदेव ढींसा ने अलग हो अकाली दल बनाई है,
ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਵੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 5 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 7 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਬੜ ਖਿੱਚ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਦੇ ਲੰਬੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚ? ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? 1920 ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-4 ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਬੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਖੇ ਲੱਗਣ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਾਓਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਨਾਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ IRS ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ।
उन्होंने भी अपनी पत्रकारी जी करियर छड़ के लोगों के नाल खड़न का फैसला किया, जो डिप्टी मुख्यमंत्री ने एक इनकलाबी सिक्ख्या मंत्री तौर पर उन्होंने जाने जाता है। अगे जो गल करिए राखी बिरला, वो भी रामलीला ग्राउंड के जो अन्ना हजारे मूवमेंट चल रही थी उसकी कवरेज कर आई सी एक चैनल वालों, प्राइवेट चैनल वालों, तो उन्होंने इन्ना वधिया लग्या पार्टी का जिहड़ा वो संघर्ष जा लोगों का जिहड़ा सत्कार कि वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया आम आदमी पार्टी बाद जो बनी। अज वह तीजी बार MLA है तो लगातार दूजी बार वह पंजाब दिल्ली की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर है। सो हर वर्ग तो भावें वह वकील होन, भावें वह कलाकार होन, भावें वह कोई वैसे यूथ होवे, अपन पढ़ाइया छड़ के बहुत सारे आए ने। सो हर वर्ग जिहड़ा वो आम आदमी पार्टी नू आपकी पार्टी देखता है। उस सिलसिले च अज अजय लिबड़ा जिहड़े कि यूथ के अकाली दल के लीडर सी, जिस तरह मैं पहला कहा कि आप दसणगे कि कारण सी कि जिहड़े इन्होंने आम आदमी पार्टी नाल आके संघर्ष लड़न का फैसला किया। अनमोल गगन मान काफ़ी सालों तो पंजाबियों के पूरी दुनिया च वसते पंजाबियों के जिहड़े दिलों पर राज कर रहे हैं, अपने गीतों राही भी स्टेज पर वैसे भी या अपने सोशल मीडिया राही भी समय समय से जो समाज के घटनावां होंदिया ने, कोई भावें वह कोई ड्रग वाले नशीरी की मरदे की वीडियो आवे नौजवान की, भावें वह कोई होर पंजाब दी समस्यावां दी गल होवे, वो बेवाक तरीके जिहड़ा सिस्टम के विरुद्ध बोलते रहेंगे ने। तो उन्होंने भी फैसला किया, मैं क्योंकि बींग ए आर्टिस्ट मैं पता है कि आर्टिस्ट जो जज्बाती होंगे ने लोगों के दुखों नेड़ों जानते होंगे ने, तो उन्होंने मैं स्वागत करता। तो नाल लाल चंद जी कटारू चाके बहुत बड़े लोक नेता ने पठानकोट के हल्के दे, और पिछली बार पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस वालों 2019 गुरदासपुर लोग सभा तो लड़े भी सके लोग सभा की इलैक्शन, तो आजाद इलैक्शन भोआ तो लड़े सके, तो सरपंची जी है अपने पिंड की पिछले 25 साल तो अजक मेरे ख्याल अगली बार सरपंची जी 40-40 लाख रुपया ला के भी दोबारा नहीं बचाई जा सकती, पर कितना कितने इस परिवार का उस इलाके के बहुत सत्कार है और लोग संघर्ष के पिछले निकले हुए नेता ने। सो मैं तिना का वेलकम समर्पित है। जे भगत सिंह 23 साल की उम्र च शहीद हो सकता, मेरी उम्र 29 साल की, 30 साल है, मैनू कोई किसी का डर नहीं है। मैं मेरी जिंदगी अज तो बाद मैं सिर्फ पंजाब के लेखे लाइनी है। मैं जिथे आवाज चकनी पई आम आदमी पार्टी का वर्कर तो लैके लीडरशिप तक, मैं जिथे कोई कहूगा इतने आके अनमोल खड़ना, इतने आके बोलना, कोई मीडिया का बंदा मैं कहूगा इतने आके खड़ना साढ़े ना, क्योंकि असं सारे आम घर के बच्चे हाँ, जिन्ना मीडिया भी खड़ा थोड़े भी धी पोता, सो इन लोटुआ के थले ला के असं किन्नी देर जीना है, किन्नी देर, क्योंकि 1947 एक देश में नामदान आजाद कर दिता गया, पर जिहड़े मीर जाफर ने जिन्हें 200 साल तक साडा मुल्क गुलामी च रखिया, ये मीर जाफर की आत्मा इन लीडर च हुण आई हुई है। जे इन्हां च मीर जाफर की आत्मा साडे च भगत सिंह की है, साडे च करतार सिंह सराबे की है, साडे च ऊधम सिंह की है, असीं तैयार बैठे हाँ इट्ट ना इट्ट खड़काउण नूं। ते मैं अज इस काम च उतर रही हाँ क्योंकि मैनू कोई संगठन नहीं मिल रहा सी, मैं इन्हां लोटुआं च तां जाणा नहीं सी। जदों मैं दिल्ली च काम हुंदे देखे, जदों मैं भगवंत मान वीर वर्गे एक लीडर देखिया जिहदे च इक जज्बा, जिहदे च लोकां लई बोलण दा जज्बा, यह नहीं मैटर करता कोई कलाकार कोई की है, मैटर करता थोड़ा अपने पंजाब लई लोकां लई गरीबां लई। गरीब इत्थे कोई नहीं है, गरीब तो लोग ने, असीं राजे हाँ, असीं वोट पाउंदे हाँ, ये सेवक ने। सो सेवक नूं सेवक बन के रहना चाहिए, मालक तुसीं हो, मालक असीं हाँ जिहड़े असीं वोट पाउंदे हाँ, सो असीं मालक नूं मालक बनाउणा ते सेवक नूं सेवक बनाउणा, इस चीज़ लिए असं आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हाँ कि पंजाब का मीडिया निरपक्ष हो के, मैं पता क्योंकि कल का जो मैं पोस्टा ऑलरेडी पै रही ने उस चीज़ तो मैं बहुत खुश हाँ। तो जिनी इस इन्हों की आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी तो लैके जरनैल जी बैठे ने, बहुत कमाल के इंसान लीडर, भगवंत मान वीर की मैं कोई तारीफ नहीं कर सकती। इन्होंने बहुत इनकरेज किया इस चीज़ लिए, क्योंकि जो जनून जो जज्बे नाल बेधड़क हो के हर थान पर बोलते हैं वो एक, क्योंकि कई बार लोग कमियां कढ़दे ने, कल मेरे च भी कढ़णगे, क्योंकि जो ये किसी की किसी नाल दौड़ ना सकन फिर उहदियां लत्तां खिंचन लग जांदे कोई ना कोई कढ़ के। सो असीं ये देखना कि विकास कौन करा रहा ते धर्मां दे नां ते वोटां कौन लै रहा। सो ये चीज़ के उत्ते असीं संगठन हाँ,
इतने सानू कोई मतलब नहीं किसी वोट नाल किसी राजनीति नाल असी रल मिल के एक दूजे के हकों लिए लड़ना असी पंजाब नू एक खूबसूरत पंजाब बनाउणा ते तुहाडे सहयोग तो बिना कदे भी नहीं। अपनी विवादित जुबान ते भद्दी शब्दावली कारण सुरखियां च रहन वाले शिवसेना टकसाली प्रधान सुधीर सूरी नूं आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। करीब 300 किलोमीटर तक पीछा करन तो बाद सूरी नूं मध्य प्रदेश दे इंदौर तो गिरफ्तार किया गया। देखो पूरी खबर। शिवसेना टकसाली के प्रधान सुधीर सूरी की एक वीडियो काफ़ी दिनों तो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है जिस च वह औरतों लई भद्दी शब्दावली वरत रहा है जिस तो बाद लोगों का गुस्सा सत्तवें आसमान से है ते लोगों वालों उसते कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी जिस तो बाद पुलिस ने हरकत चा एतवार को शिवसेना टकसाली के प्रधान सुधीर सूरी को वायरल वीडियो च महिला का अपमान करने वख-वख समूहों को भड़काने के दोषों हेठ मध्य प्रदेश के इंदौर तो गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, दस दईए कि पुलिस ने सूरी नूं काबू करने लई करीब 1300 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। यह सारी जानकारी डीजीपी दिनकर गुप्ता ने दी है। उन्हां मुताबिक अमृतसर दिहाती पुलिस के 11 मुलाजमान दीआं दो टीमां बनाईआं गईआं सन जिन्हां ने सूरी नूं गिरफ्तार किया। मिलियां मीडिया रिपोर्टां मुताबिक डीजीपी ने खुलासा किया कि 8 जुलाई नूं पहली वीडियो वायरल होने तो बाद भारत के विदेशों में इस वीडियो की भारी आलोचना हुई। इस तो बाद जंडियाला पुलिस अमृतसर दिहाती ने सूरी खिलाफ आईपीसी की धारा 153A 354A 509 ते आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराधी केस दर्ज किया। हुण होर की कार्रवाई होगी सूरी ते यह तो आने वाला समा दसेगा कि जां फिर सूरी बच निकलेगा। एसजीपीसी की एक आंतरिक मीटिंग हुई। बैठक च चर्चा विचार कर चोरी हुए पावन सरूप मामले बाबत श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं पत्र लिख मामले की जांच किसी सिख रिटायर्ड जज कोलों करवाउण दी मांग की गई। एसजीपीसी प्रधान ने सुखदेव सिंह ढींडसा ते भी काफ़ी तिखे वार किए। देखो मैं ढींडसा साहब नूं कहना चाहुंदा कि वह पहला साड़ी चोण की बजाय जिस ट्रस्ट के चेयरमैन ने 8 साल हो गए उत्थे चोण नहीं हुई इन्होंने अपना सारा परिवार उत्थे मैंबर बना रखा सो उत्थे दी चोण पहला करवा लवो फिर तुसी दूजे ते उंगल उठा सकते हो। यह बोल ने एसजीपीसी के प्रधान गोविंद सिंह लौंगोवाल दे जो उन्हां सुखदेव सिंह ढींडसा वल्लों एसजीपीसी चोणां दी चुकी आवाज़ खिलाफ भड़कदियां बोले। देखो मैं ढींडसा साहब नूं इह कहना वह पहला साड़ी चोण की बजाए जिस ट्रस्ट के चेयरमैन ने संत बाबा आतर सिंह जी जो मस्तुआना साहब है गुरु साहब उन्होंने सारी बरसाई धरती है बाबा जी की और बहुत लंबे समय तो प्रधान चलते आ रहे हैं अभी 8 साल जी उसकी कौंसल है वो हर 3 साल बाद जी है वो चोण होंगी है लेकिन 8 साल हो गए अजे तक ढींडसा साहब ने चोण नहीं करवाई और बेइज्जती जिम्मे उत्थे हो रही ने उत्थे ये भी है वो संविधान के जो ट्रस्ट का चेयरमैन है वह जो कौंसल का प्रधान नहीं बन सकता लेकिन ये दोलियों के प्रधान ने इन्होंने अपना सारा परिवार उत्थे मैंबर बना रखे सो मैं समझा पहला उत्थों दी जी बेनिजगियां ने बेनती ढींडसा साहब न भी वो जांच भी करा लो उत्थे लोग चाहते भी ने उत्थों की चोण पहला करा लो फिर तुसी दूजे ते उंगल उठा सकते हो। एसजीपीसी की एक अंतरिंग मीटिंग हुई जिस अहम मामलों पर चर्चा विचार किया गया। 2016 च श्री गुरु रामसर गुरद्वारा साहब विखे अग्नि भेट होए 5 पावन सरूप अते चोरी होए पावन सरूप बाबत चर्चा करन तो बाद श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक मंग पत्र लिख मामले दी जांच किसे सिख रिटायर्ड जज जां फिर किसे विद्वान तो करवाउण दी मंग कीती है और अते भरोसे योग्यता बनाई रखण लई इह जरूरी है इसलिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद आप जांच करन दी बजाए श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहब नूं बेनती करती है कि वह किसी इस सारे मामले की पड़ताल किसी सीनियर सिख जज जो सेवा मुक्त जा किसी प्रमुख शख्सियत तो सारी सच्चाई की जिहड़ी पड़ताल कराई जाए ताकि असल सच्चाई है जिहड़ी लोगों के सामने आवे। इस दे लई अज ही असीं श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं एक चिट्ठी लिख के ये बेनती
करांगे। जलंधर उस समय कंब उठा जो आपसी रंजिश का खौफनाक दृश्य देखने मिलिया। दूजी धिर के 8-10 दरिंदिया ने प्यो पुत ते जामलेवा हमला कर दिता। तेजधार हथियारां नाल कीता हमला इन्ना खतरनाक सी कि हमले वाली थां ते खून तो इलावा कुछ नजर नहीं आ रहा सी। देखो दिल दहलाउण वाला पूरा मामला। खून नाल लथपथ बैठा नौजवान, चल रही खून की तराल ते जमीन ते पिया व्यक्ति, धरती हुई खून नाल लाल, खिल रहा समान। यह दिल दहलाउण वालियां तस्वीरां ने जलंधर दे मोहल्ला फतेहपुरी दियां, जिथे गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने नूं मिलिया। पहला देखो कुछ खौफनाक तस्वीरां, फिर चानना पाउंदे हाँ कि आखिर पूरा मामला है की। कोई गल नहीं यार, शांति रखो, कोई गल नहीं गांधी, चिंता ना कर भाई। यार नंबर ते फोन कर दो, एक फोन कर दो, नंबर ते नेट नहीं पड़ रहा यार, नेट नहीं पड़ रहा। ओए एक मिनट, मामला आपसी रंजिश दा, जिथे दो धिरां विचकार कुछ दिन पहला होया झगड़ा अते फिर थाने विच होया राजीनामा। कुछ ही समय बाद करियाने की दुकान चलाउण वाले प्यो पुत उपर दूजी धिर दे कुछ व्यक्तियां ने कुछ अणपछाते व्यक्तियों नाल मिल के जानलेवा हमला कर दिता। तस्वीरां बयान कर रही ने कि हमला जानों मारन लई कीता गया सी। हमले विच दोवें प्यो पुत गंभीर जख्मी हो गए अते हमलावार जांदे जांदे मुड़ हमले की चेतावनी तक दे गए। पीड़ित नौजवान तो ही जानदे आं पूरी कहानी। मेरा नाम अभिषेक गांधी, यूथ वाइस प्रेजिडेंट कांग्रेस जलंधर। असीं अपने घर दे बाहर बैठे पे सीगे ਅਤੇ ਸੋਡਲ ਦਾ ਕਾਕੂ ਲੰਡਨ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਜਤਿਨ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਾਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3-4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਯੁਵਕ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਾਣੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਬੜ ਗਈ ਸੀ 8 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਸ ਐਚ ਓ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਗਏ? ਕੈਸ਼ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗਾ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਦਾਤ ਦੂਤ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, PB08CZ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ, 6-7 ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਹੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਵਾਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਤੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਸੀਗੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਇਹ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਜ਼ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Face mask manufacturer, factory capacity 500,000 masks per day. 2 and 3 ply disposable face mask. 3 ply disposable face mask with nose wire. RN95 respirator face mask, adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information www.risley.org